हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है, अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरताली का व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें पांच चीज रखते हैं ना, पांच कपड़े स्त्री के, पांच कपड़े पुरुष के, पांच तरह का अनाज, पांच तरह का फलहार, पांच तरह का फल। तो पांच तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस पांच तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस पांच तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले पांच फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा। एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से, एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर उसको चढ़ाओ तो सरी भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, शाम के समय पर। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी, तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विचित्र, बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है,
वो पहले नहीं रखना है, पहले क्या बांधना है, फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया, अब दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल, फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित कर। पर क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए, तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपये कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है वो मनोकामना को पूर्ण कर चली जाती है, इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम माने। हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा भगवान का आनंद, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। हर थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां हैं, ब्रह्मणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर साधना कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया, और तीनों ने प्राप्त कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है, मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हैं, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभु घड़ी रे घड़ी दुख का।
तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए, ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना, हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा सतुड़ी तीज, इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सतुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता। अब एक आती है हरताली का तीज, आप लोग करते हो हरताली का, यहाँ लोग करते कि नहीं करते, करते हैं यहाँ पे हरताली का, कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ जरा, अरे सभी करते हो, रखो रखो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरताली का तीज, इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52 नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है, इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके हैं, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके हैं, तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्माणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस हड़ताली का तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं, और इस व्रत को कल कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में हड़ताली का तीज। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो, जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो, पर तीज का जो व्रत होता था, हरताली का जो व्रत होता था, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं, ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर, एक पहर का नियम धारण कर, एक पहर का स्मरण कर, एक पहर का पूजन कर धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है, इस व्रत का नियम ही यही है। इस व्रत, पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ, यह हरताली का तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं पार्वती जो नारी हरताली का तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं, कितनी,
जैसे माला जो लटकाते हो वो पांच से ज्यादा होना चाहिए, पांच तो जया विषहरा शामलीबादी दौतली देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरताली का व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि सियोर वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरताली का तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुमारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है, जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। 30 अगस्त को, यही 30 तारीख को, कल 29 है, परसों 30 तारीख को हरताली का तीज रहेगी। आप सब अपने हृदय से मन से इस व्रत को कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो, जरा हाथ उठाइए, इतने सारे करते हो, अरे बाबा कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधु। फुलेरा मानते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो सात स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहां बंधा है, वहां का दर्शन करना, एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। सात स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हड़ताली का हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना, अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं हड़ताली का तीज का व्रत हो रहा हो तो दो चार मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। हड़ताली का तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है, अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हड़ताली का तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हड़ताली का। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हड़ताली का व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। हड़ताली का तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें पांच चीज रखते हैं ना, पांच कपड़े स्त्री के, पांच कपड़े पुरुष के, पांच तरह का अनाज, पांच तरह का फलहार, पांच तरह का फल। तो पांच तरह का जो फल रखाता है हड़ताली का तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस पांच तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस पांच तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हड़ताली का तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले पांच फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा। एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से, एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर उसको चढ़ाओ तो सरी भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा, पर दिल से चढ़ाना हृदय। हड़ताली का तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर
शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, शाम के समय पर। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विचित्र, बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं, ये तो उनके लिए हो गया, अब दूसरे के लिए भी सुन लें। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल, फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित कर। पर क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा, कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपये कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है, वो मनोकामना को पूर्ण कर कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम मान, हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा भगवान का आनंद, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से
उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां हैं, ब्रह्मणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप करकर, साधना करकर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त करकर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है, मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हैं, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभो विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए, ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना, हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, दूसरा सातुड़ी तीज, इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब एक आती है हरतालिका तीज, आप लोग करते हो हरतालिका, यहाँ लोग करते कि नहीं करते, करते हैं यहाँ पे हरतालिका, कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ तो जरा, अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरतालिका तीज, इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52 नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है, इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके, तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्मणी
जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मणी के रूप में हो, चाहे वो सतरहमा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस हड़ताली का तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं, और इस व्रत को कल कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं, केवल एक व्रत में हड़ताली का तीज। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता था, हरताली का जो व्रत होता था, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर, एक पहर का नियम धारण कर, एक पहर का स्मरण कर, एक पहर का पूजन कर धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है। इस व्रत, पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ, यह हरकाली का तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं, पार्वती जो नारी हरताली का तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें पांच माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, पांच से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो पांच से ज्यादा होना चाहिए, पांच तो जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरताली का व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि सियोर वाले गुरु जी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरताली का तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, और कुमारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है, जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। 30 अगस्त को, यही 30 तारीख को, कल 29 है, परसों 30 तारीख को हरताली का तीज रहेगी। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो जरा हाथ उठाइए, हरताली का तीज इतने सारे करते हो, अरे बाबा कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधु। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो सात स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहां बंधा है, वहां का दर्शन करना, एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। सात स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हड़ताली का हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना, अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं हड़ताली का तीज का व्रत हो रहा हो तो दो चार मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। हड़ताली का तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है, अंतिम अवस्था तक, प्राण छूटे तब तक
हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरताली का व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे, तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें पांच चीज रखते हैं ना, पांच कपड़े स्त्री के, पांच कपड़े पुरुष के, पांच तरह का अनाज, पांच तरह का फलहार, पांच तरह का फल। तो पांच तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस पांच तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस पांच तरह के फल में धतुरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले पांच फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतुरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतुरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतुरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा। एक बार धतुरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से, एक बार वो धतुरा भगवान से विनती कर उसको चढ़ाओ तो सरी भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय। कालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की।